उत्तर प्रदेश के प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि गिरफ्तार, चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शातिर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दो शातिर बदमाशों ने राजस्थान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद्रवान और हरिश्चंद्र को गिरफ्तार किया। मामले में पता चला है कि आरोपी प्रधान और प्रधान का प्रतिनिधि है। पुलिस ने बदमाशों से 90,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। नवबारा समाचार, जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक ये दो ही है, अगर इनका किसी और गैंग से कोई संबंध है या फिर कोई और साथी है तो उसका अनुसंधान पुलिस से जो हमने रिपोर्ट ली उसमें जांच में सामने आया कि ये 1994 से लेकर लगातार अब तक हर साल कई वारदातों को अंजाम देता रहा है। इसने खुद ने भी यहाँ पर अजमेर शहर में वारदातों की जो है पुष्टि की है कि उसने यहाँ पर जो है नकबजने की और वारदातें की हुई हैं। हालांकि वो रिकॉर्ड अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके जो साथी है आरिफ खान, वो खुद भी जो है एक मोबाइल की दुकान का काम करते हैं दिल्ली में, और ये चोरी के मोबाइल जो यहाँ से प्राप्त करते हैं उसको वहाँ पर जाकर बेच देते हैं। इसमें हमारी स्पेशल टीम जो है जो हमने गठन किया था, उन्होंने इसको अप्पू घर जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उसके पास से इनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद में इनसे जो माल है वो बरामद किया गया। ये अपनी गाड़ी में पुलिस का साइन लगा हुआ नंबर प्लेट भी रखते हैं। इनकी गाड़ी में इनके 2-3 नंबर प्लेट हैं जो कि ये नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं। जब इनको कहीं जाना होता है तो कभी पुलिस की गाड़ी का नंबर प्लेट लगा लेते हैं। ये नंबर प्लेट जो है फर्जी है। कहाँ से पकड़ा गया आरोपी? ये 17 तारीख को रात 9 बजे दो मोबाइल स्टोर माई जियो और वो, इसमें इन दोनों नकबजनों ने अपराधियों ने दारू पीने के बाद रात को इंतज़ार किया कि जब मार्केट बंद हो जाएगा तो हम लोग शटर तोड़ के इसको उठा लेंगे। इन्होंने रात को शटर तोड़कर 25 मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्पीकर, हेडफोन, कैश जो कि लगभग पूरी एक्सेसरीज और मोबाइल की कीमत 3 लाख के आसपास है उसकी चोरी की वारदात की। साथ के साथ उन्होंने देखा कि इसमें दुकान में CCTV लगा हुआ है, तो ये लोग इतने शातिर हैं कि ये CCTV का DVR भी निकाल कर ले गए, और वो निकालने के बाद जो है हमें रात को सूचना मिली। सूचना मिलते ही जो है हमारी टीम वहाँ पहुँची, SHO साहब और ACP साहब मौके पर पहुँचे, साथ में उनके साथ में मिलकर हमने टीम बनाई, टीम का गठन किया। हमारी DST टीम इसमें साथ थी और हमारी टेक्निकल टीम जिसके इंचार्ज प्रद्युम्न हैं, उन्होंने भी जो है इसमें अपनी टीम का सहयोग दिया। इसमें हमें मालूम हुआ कि ये लोग जो है ऐसी बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं, और ये जो हंसराज है इसमें जो अपराधी हंसराज, वो सन 1994 से ही वारदातों में लिप्त है। दिल्ली में इसके कम से कम 72 मामले अभी तक सामने आए हैं। 72 मामलों में ये दिल्ली में अभी वांछित है, और बाकी ये कहाँ कहाँ पे बेचते हैं उसका अनुसंधान हम लोग करेंगे। किस तरीके से पुलिस कहते चढ़े इनका जो फोन चोरी कर रहे हैं? ये हमारी स्पेशल टीम है, तो हमारी स्पेशल टीम जो है जैसे वारदात हुआ तो हमने नाके भी लगाए हुए हैं, तो हमें जो है इनकी जो गतिविधि थी जिस तरीके से ये भाग रहे थे वो काफ़ी संदिग्ध रूप से भाग रहे थे, तो नाका देखकर जो है ये इनके हाव भाव बदले, तो उसके बाद हमारी टीम ने इनका पीछा किया, इनको इंटरसेप्ट किया, तो इनके हाव भाव से और गाड़ी में बाकी सामान देखकर जो है पुलिस को शक हुआ, इनको पूछताछ के लिए उठाया, और जब पूछताछ के लिए उठाया उसके बाद ये मामला खुलता चला गया। कोई और साथी भी थे तो भी इन्होंने अपनी नंबर प्लेट बदल दी गाड़ी इन्हीं के नाम पर। सर 71 आपराधिक वारदात और आपराधिक मामले जो है इस पर दर्ज हैं, क्या कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर है कि ये बाहर घूम रहा है और वारदातें कर रहा है, क्या इस पर नज़र नहीं रखी जा रही थी? ये दिल्ली पुलिस
जो है उनसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उनके विरुद्ध इतने मामले हैं। संभवतः दिल्ली पुलिस इन पर नज़र रख रही होगी, लेकिन जिस किस्म के शातिर अपराधी हैं, इन्होंने वारदात करने से एक दिन पहले से ही अपना फ़ोन बंद कर दिया और ये पूरी वारदात अंजाम देने के समय में अपना पूरा मोबाइल बंद रखते हैं, बल्कि उसके बाद तक जब तक ये सेफली उसको रफा दफा नहीं कर देते सामान को, तब तक ये अपना मोबाइल नंबर बंद रखते हैं। और क्योंकि इनका खुद का काम भी मोबाइल की दुकानों का है, तो इनको नया मोबाइल ख़रीदने में या नया सिम लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बरामदगी क्या क्या है? बरामदगी इनसे 11,000 रुपये कैश और 25 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, DVR, स्पीकर, हेडफोन और बाकी फ़ोन से संबंधित एक्सेसरीज़ जो इन्होंने माल उठाया था दो दुकानों से, वो पूर्णतः रिकवर हो चुका है। सर, चोरी के मोबाइल कौन से बरामद किए हैं? चोरी के मोबाइल